ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी आपको मालूम है दो मास के बीच में अगर आर डिस्टेंस हो तो उनके बीच में फोर्स एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसमें एम वन एम टू मासेस है, आर डिस्टेंस है, एफ फोर्स है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसकी डायमेंशन पूछी जा रही है। फोर्स रखो, फोर्स एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर इधर ले आओ तो एल स्क्वायर, एम वन एम टू इधर ले आओ मास मास एम स्क्वायर, एम से एम स्क्वायर कट गया तो एम माइनस वन, एल की पावर क्लब कर लो एल की पावर थ्री, टी की पावर टी माइनस टू, तो एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ये डायमेंशन है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की। निकालेंगे कहां से, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, बाकी सारे टर्म एक साथ लिया है, जी की डायमेंशन निकाल ली। एक और बचा है प्लैंक कॉन्स्टेंट,